एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉमर्स लर्निंग क्लासेस में, जहां आपको मिलती है कॉमर्स की वीडियोस रेगुलरली ऑफ क्लास 11, 12 एंड बीकॉम। सो आई वांट टू स्टार्ट टुडे टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के फ्यूचर्स, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा इम्पॉर्टेंट पार्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में। मीनिंग एंड डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका प्लानिंग होता है। प्लान करना है, कोई भी काम को करने से पहले प्लान करना है, प्लानिंग इज एसेंशियल। इट मे बी डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स। इसको मार्क करो, टिक कर लो। इट मे बी डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज, टूल्स and methods for the achievement of given objectives. In simple words, अगर simple words में कहे तो it means thinking before doing, करने से पहले सोच लेना। In other words, planning is deciding in advance में decide करना that कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, that what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, where it is to be done and by whom it is to be done. ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी फायल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। गोल्स को अचीव करने ना। अब हम लोग देख रहे हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ये सेकेंड टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहला, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग इज़ द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सभी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ता है। एवरी प्लान मस्ट बी कंट्रीब्यूट towards the accomplishment of these objectives. It is never done for the past, मतलब planning जो होता है वो past के लिए नहीं होता है, present के लिए होता है। The every purpose of planning is to meet future events effectively. Number 5 है continuous process. Planning is a continuous process. A plan is prepared for a specific period of time. At the end of that period, a new plan is prepared in accordance with the requirement of future condition. Number 6, planning is a intellectual process. Planning is a mental exercise. It requires imagination, rational thinking, vision, foresight. It can be effectively done by... ये कौन सा 5 नंबर था, इफेक्टिवली यहाँ पर डन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 2 प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग जो होता है प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल अदर फंक्शन आर परफॉर्म टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स। नंबर 3 है ऑल परवेसिव, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स लॉन्ग रेंज प्लान्स, मिडल मैनेजमेंट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन दे सकता है कि मिडल मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है प्लान फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट अंडरटेक्स शॉर्ट रेंज प्लान्स एंड पॉलिसीज। नंबर 4 है फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लान करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपने सीखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड ये
इट्स फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें फीडबैक जरूर दें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।